हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो मैंने दो पैसे शुरू की है। आज बनाई है मैंने दाल उड़द की, धोआ और उसी में छोंक लगा रही हूँ। छोंक भी हो चुका था तो अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और नमक थोड़ा सा। तो अभी ये टमाटर जब पक जाएंगे मैं दाल को फ्राई कर दूँगी। और उधर मूँग की दाल बनाई है भाई साहब के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, वो मूँग की दाल ही खाएँगे तो उनके लिए मैंने अलग बना दिया। और पापा जी भी मूँग की दाल ही खा लेंगे, उड़द की दाल उन्हें भी नुकसान देती है। छोंक भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था, अभी दाल को फ्राई कर लेती हूँ। और अभी मुझे फिर मूंग की दाल को भी छोंक लगाना है, उसमें तो मैं जीरे का ही लगाऊंगी क्योंकि नंदलाल जी को भी भोग लगाना है, उसमें से ही उसे मैं जीरे में छोंक दूंगी। अभी उसकी गैस निकलने लग रही है तो तब तक वो भी निकल जाएगी। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे उड़द की दाल को सिम आँच पर रख देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे पानी सा लग रहा है, ये सारा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। दोपहर का सारा काम खत्म हो गया था, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। पोछा भी सारे में लगा के तभी आई हूँ ऊपर। ये 2 तसले गोबर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसका भी उपले बना लेती हूँ, फिर बाद में नहा लूँगी ये काम करने के बाद। और अभी बस उपले बना के फिर नीचे जाऊँगी। वैसे ज़्यादा नहीं है गोबर, थोड़ा सा ही है, जल्दी जल्दी से बन जाएंगे इसके। मम्मी भी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मम्मी ही बना लेती उपले, मम्मी बाहर गई हुई हैं। तो अभी मुझे नीचे का भी काम देखना है थोड़ा सा, उसके बाद ही नहाऊंगी। पहले बना लेते हैं उपले। और अब तो 1 दिन में 2 दिन में ही सूख जाते हैं, काफ़ी अच्छी धूप निकलने लगी है। गुल्ले तो थोड़े बना रहे हैं अभी, पहले उपले बना रहे हैं क्योंकि फिर उपले नहीं बन पाते बाद में, गुल्ले तो बाद में बन जाएंगे। पानी मैंने ये रखा हुआ है, एक मग्गा पानी लेके आई थी हाथ धोने के लिए, यहीं पर हाथ धो लूँगी एक बार, नीचे जाके फिर साबुन से धो लूँगी, नहीं तो फिर सबसे नीचे जाना पड़ेगा हाथ धोने के लिए। तो अभी मैं हाथ यहीं धो के चले जाऊंगी तो फिर साबुन से तो नीचे भी धुल जाएंगे। गोबर के हाथ में 3-4 बार साबुन लगा के धोती हूँ तब जाके साफ होते हैं। है बावड़ी का 14-18 नहीं 14-18 92 15 के 15 15 दूनी 30 15 के 15 15 दूनी 30 15 के 45 15 का 60 15 का तो सुनाई देगी, 16 का 16 16 16 32 16 34 40 बस इतने। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? तो अभी मैं सिर धो के आई थी, बाल बाल बहा लिए हैं तो मैंने सोचा आप सबसे बात कर लेते हैं। दिन है आज, दिन है शुक्रवार, डेट है आज 12 फरवरी। तो अभी आप सबसे बात कर लेते हैं। और कल की वीडियो भी बहुत ही छोटा बन पाया था मेरा, कल का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं हो पाया था तो मैंने सोचा आज शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। ऐसा ही हो रहा है बस काम के चक्कर में, और फिर शादी की तैयारियों में लगे हैं तो उस चक्कर में बस वीडियो शूट करने का टाइम नहीं लग पाता और भूल भी जाती हूँ। तो वो तो आप सबका साथ और सपोर्ट है जिस वजह से मेरे याद आ जाता है, नहीं तो मन नहीं करता है क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाऊँ, पर आपका साथ छूट जाता है तो मन नहीं करता। कभी कभी आप सबका सपोर्ट थोड़ा मिलता है तो उस वजह से थोड़ा मन डगमगा जाता है, कदम डगमगा जाते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि चलिए रहने देते हैं, कल की छुट्टी कर लेते हैं, वीडियो नहीं डालेंगे। पर फिर मेरा मन करता है कि मेरी फैमिली मेरा वीडियो का इंतज़ार करेगी, तो इंतज़ार कराने से अच्छा तो थोड़ा बहुत कुछ जो भी है वो डाल देते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहा है कि दीदी अपने सूट कलेक्शन दिखाइए, तो वो बहुत जल्द दिखाऊंगी। वैसे आप सबने देख ही रखे हैं मेरे सारे सूट, जो भी सामने आए वही बनाना स्टार्ट। तो बस फिर मेरा मन करने लगता है कि चलिए अपनी फैमिली के लिए थोड़ी सी वीडियो शूट की जाए, और बस कैमरा उठाया और लग जाती हूँ। अभी आप सबसे बात हो गई तो मैं क्या है शोर क्यों मचा रहे? अभी मेरा मन किया आप सबसे बात करने का तो फोन उठाया और कैमरा चलाया, आप सबसे बात करने लग गई। तो चलिए अभी थोड़ा सा काम भी देख लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे, अपना आज का रूटीन भी शेयर कर लेते हैं आप सबसे। आएंगे काम बच्चे नुकसान के पीछे रहते हैं हर टाइम, पतंग उड़ा रहे हैं, देख के आते हैं क्या कर रहे हैं ये ऊपर।
बुरी हालत रखते हैं पूरा दिन। क्या कर रहे हो बच्चों? ये कटोरी नीचे क्यों नहीं ले गए, यहीं रख दी चाय पी के। देखो इनकी शरारतें। बम डोले। हाँ। के डोले। ये तो इरेंडा। देखिए गांव कैसा है, पूरा गांव। आज तो पूरे दिन में कोरा ही कोरा है। यहाँ पे हमारे जो उपले हैं सूख चुके हैं, इनको भी उठाना है। और ये देखिए बच्चों ने क्या कर रखा है, सारे उपले बिखेर दिए, नहीं तो एक लाइन में लगा रखे थे मम्मी ने। और किट्टू लग रही है पतंग उड़ाने के लिए, इसको बस पतंग का ही शौक है, पूरा दिन इसकी पतंग ही उड़ती रहती है। और पूरी माहिर हो चुकी है और सूर्य देव भी हमारे जाने वाले हैं। और ये देखिए बच्चों की शैतानियाँ, यहाँ से गिरने का भी डर नहीं लगता इन्हें। कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं छोटे छोटे से, ये पौधा भी ली थी हमने। तो अभी मैं इसमें नमकीन बिस्किट रखे थे वही देख रही थी, चाय पत्ती बाहर निकाल लूँगी। ये आज नमकीन बिस्किट मंगाए थे और चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी, तो अभी नमकीन ये वाली मंगवाई है। और चाय पत्ती को तो मैं बाहर रख लूँगी निकाल के, फिर इसमें से निकालनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी रह रही है डब्बे में। और बिस्किट मंगाते हैं हम ये वाले बटर बाइट वाले। अभी पापा जी दलिया लेकर आए थे तो ये दलिया बनाऊंगी मैं भाई साहब के लिए, उनकी तबीयत ख़राब है वो अब दलिया खाएंगे। दोपहर उन्होंने मूंग की दाल खाई थी, पापा जी दूध निकाल लिया भैंस का। तो ये मैं अक्की को कह रही थी कि खींच लो बेटा, इसको बना लूँगी फिर मैं भून के, क्योंकि ये भुना हुआ नहीं आता, बिना भुना ही रहता है। और ये देखिए इसे सूख चढ़ा है पोछा लगाने का। पतीली उठा के उधर रखो, चलो चलो, जब हमने पोछा लगा रखा है तो आप दोबारा क्यों लगा रहे हो हैं? मैं तो देश का झंडा है एक मारू नहीं चाहता, ये देश का पोछा है देश का पोछा लहरा रहा था। यहाँ गिल्ला ना करे, फिर मिट्टी के पैर ले आओगे ऊपर से। अभी किचन का काम कर लेते हैं अपना, शाम का खाना बनाना है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ दलिया भाई साहब के लिए। तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है कटोरी में, इसको भून लेती हूँ। घी नहीं डाला है मैंने, घी डालने को मना किया था, तो मैं ऐसे ही भून रही हूँ बिना घी डाले ही। इसको भून के फिर मैं कुकर में उबाल लूँगी, दो सीटी लगा के ये अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इसमें दूध डाल के थोड़ा सा उबाल दूँगी, तो दलिया हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी आलू मटर की, तो आलू मटर भी काटने हैं मुझे। पहले मैंने सोचा दलिया का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद दूसरे काम में लगूँगी। का खाना पीना सारा हो चुका है और अभी बर्तन रह रहे थे तो मैं बर्तन ही साफ़ कर रही हूँ। और ये फ्रिज में मलाई रखी हुई थी तो मैं इसको गर्म पानी से छुटा के दूध में डाल ली हूँ, जब दूध को जामन लगाऊंगी तभी डाल लूँगी इसको। अभी तो मैंने गिलास में कर दी है, तो पहले बर्तन धो लेते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं इस टाइम भी, दूध की बाल्टी भी रहती है और खाने पीने के भी। यहाँ पे दीदी खड़ी हुई थी तो उन्हीं से मजाक मस्ती चल रही थी, हमारी पूरा दिन मजाक मस्ती चलती रहती है, कोई टाइम ऐसा नहीं होता जिस टाइम हम मस्ती ना करते हों, तो ऐसे ही मन लगता है। और घर में आप सब कह भी रहे हैं कि जब ये चली जाएंगी सबसे ज़्यादा आप ही रहोगी, तो ये बात भी सही है, हम सभी रोएंगे क्योंकि लास्ट तक हमारे साथ में यही रही हैं दो दीदी। तो एक बड़ी वाली दीदी तो हमसे पहले ही चली गई थी, और डोली दीदी की भी शादी मेरे सामने ही हुई थी, तो उनकी कमी इतनी महसूस नहीं हुई थी क्योंकि अंतिम दीदी थी फिर हमारे पास। पर अब ये चली जाएंगी, इनकी कमी ज़्यादा महसूस होगी, पता नहीं कैसे कैसे होगा। बच्चे तो अभी से करते हैं कि कैसे कैसे रोओगे तुम सब जब ये चली जाएंगी, फूट फूट के रोएगा सारा परिवार, क्योंकि इनसे सभी प्यार करते हैं, सबसे छोटी हैं घर में। और आप सब भी बहुत ज़्यादा मिस करोगे इनको, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए हमारी फैमिली को और हमें सबको, उसके लिए शुक्रिया। तो अभी जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे, वीडियो कैंड भी करना है, थोड़ी सी बात करनी है।
तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और ये देखिए लाइट हमारी कैसे जल बुझ रही है, क्योंकि लाइट चली गई है। इन्वर्टर में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ दिनों से इन्वर्टर हमारा ख़राब चल रहा है, एक भी लाइट नहीं जलाता। अब देखिए लाइट चली गई तो बार बार लाइट कभी बल रही है कभी बुझ रही है, ऐसे तो लाइट भी ख़राब हो जाएगी। पर क्या करें, बर्तन धोने हैं, अंधेरे में तो बर्तन नहीं धुलेंगे। अभी थोड़ी बहुत देर में आई जाएगी लाइट। वैसे पता नहीं आज ज़्यादा तमाशे कर रहा है इन्वर्टर हमारा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? तो अभी मैंने सोचा वीडियो कैंड कर लेती हूँ। वैसे मैं सोने जा रही थी, 10:30 बज चुके हैं, नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा अभी तो मैंने वीडियो, तो फिर मेरे याद आया मैंने वीडियो कैंड तो किया ही नहीं, आप सबसे बातें भी नहीं की। तो अभी मैंने सोचा वीडियो कैंड कर लेते हैं, आप सबसे बात भी कर लेते हैं। और आज मुझसे मिस्टेक भी हो गई बोलने में थोड़ी सी, गेट के ऊपर आप समझ ही गए होंगे मैंने उल्टा बोल दिया गेट के बारे में। तो आप सबके भी चेहरे पर मुस्कान आई होगी वीडियो देख के, अच्छा लगा मुझे, किसी को हंसाने के काम तो आई आज मैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट भी। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही चाहती हूँ मैं कि आप भी वीडियो को देख के हंसे मुस्कुराए, अच्छा लगे आप सबको, पसंद आए वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।